Assalamualaikum, good morning Pakistan. कैसे हैं पाकिस्तानियों? ठीक ठाक हैं? कोई बात नहीं, कोई कोई लोग मुझे उदास भी नज़र आ रहे हैं. वैसे हम ख़वातीन जो है ना, वो बड़े मासूम और बड़े छोटे से दिल की होती हैं, क्योंकि हम छोटी सी बात को बहुत महसूस कर लेती हैं और सेंसिटिविटी की वजह से हम उदास हो जाते हैं. मगर साथ साथ हमें मनाना कोई मुश्किल काम नहीं, लेकिन हम लोग ये चाहते हैं कि जब भी हमारा दिल टूटे तो हमारे चेहरे से कोई पहचान ले, हमारे कहे बगैर कोई पहचान ले. ख्वाब वो हमारे घर का, मतलब हमारा कोई बच्चा हो, हमारे हस्बैंड हो, हमारे ससुराली रिश्तेदार हो, या हमारी अम्मी अब्बू बहन भाई, वो तो खैर जान ही लेते. लेकिन अब मैं तो ससुराल की बात कर रही हूँ ना. और अगर हमें हमारे बारे में कोई जान लेता है कि हमारा मूड किसी बात पे ऑफ है या हमारा दिल किसी बात से हर्ट हो गया है, तो भाई दिलजोई करना भी बड़ा आसान है. छोटी छोटी चीज़ों से हम खुश हो जाते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, लाइक अगर आप, मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, मैं जनरली भी औरतों की बात करूँगी, गाड़ी में जा रहे हैं और मेरी किसी बात पे झड़प हो गई अपने मियाँ से, या किसी बात से भी मेरा मूड ऑफ हो, और रास्ते में कोई फूल वाला यूँ गुजर जाए, अरवा जी जोड़ी सलामत रहे, ये वाली सारी दुआएँ देने लगे, तो उसके हाथ, मतलब लाइक उसके पास से एक जोड़ी गजरा ही मेरे लिए खुशी की अलामत है. क्योंकि वो गजरा हो सकता है मैं हाथ में नहीं पहनूंगी, मुझे शर्म आएगी, क्या इस उम्र में क्या करूँ मैं गजरा पहन के, मैं एसी के आगे रख दूँगी. जो उसकी खुशबू है ना, वो मेरे मूड को बहुत सुहाना कर देगी. फिर दूसरी बात मैं जनरल पब्लिक के लिए कर रही हूँ, जैसे कि मैं खुद कमाती हूँ तो शायद मुझे, लेकिन फिर भी मियाँ की कमाई की बात और होती है. तो अगर सेल लगे और हमें अपने मियाँ से मिनते ना करनी पड़े, उनको ही पता चल जाए कि सेल लगी है, खुद कुछ कहे बगैर हमारे हाथ में आके पैसे रख जाएं, जा बेगम लॉन की शॉपिंग कर ले. सोचिए, क्या आपका वो दिल जो टूट गया था, जो उदास था, वो वैसी ही कंडीशन में रहेगा? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं. बल्कि आप जितनी पहले खुश थी उससे ज़्यादा एक्साइटेड हो जाएंगी. फिर एक और चीज़ है जो हमें बड़ा बहुत ही खुशी देती है, और ये मेरे साथ भी बहुत हुआ है. जब मुझे अशद पैसों की ज़रूरत थी, जब मेरे पास कहीं से भी पैसे नहीं आ रहे थे, अल्लाह के करम से मुझे याद भी नहीं था कि मैंने कमेटी डाली है, और मेरी कमेटी निकल आई. इसी तरह आपके साथ भी होता है, वक्त पर जब कमेटी निकल आती है तो जो खुशी का समा होता है उसमें हम फूले नहीं समाते. और तो और, कभी तबीयत ख़राब है, लाइट जा रही है, एक डिप्रेशन है, गर्मी गर्मी गर्मी, बच्चों की चूचू, बच्चों की स्कूल की छुट्टियां हैं, और आपका दिल नहीं चाह रहा कि सड़ी गर्मी में जाकर किचन में खड़े होके इसकी पसंद की ये चटनी, इसकी पसंद का वो खाना, वो फलाना रोटी धमाका ये करें आप, वहीं से मियाँ का फ़ोन आ जाए, बेगम तैयार हो जाए, आज हम बाहर रेस्टोरेंट जा रहे हैं खाना खाने. खैर अभी ऐसा नहीं हो सकता, कोई रेस्टोरेंट खुला नहीं, अल्लाह मियाँ रेस्टोरेंट खोल दे. अभी तो हमने रेस्टोरेंट खोला था, एक महीना हुआ था और कोरोना हो गया. बहरहाल बहुत सारी दुआएं, अब मैं तो इससे भी खुश हो जाऊंगी. खैर और तो और जनाब, छोटी छोटी खुशियां हमें थोड़ी पॉलिटिक्स करके भी मिल जाती हैं. बहुत 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 बर्दाश्त करने के बाद, जब भाई मेरी नन तो ऐसी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मुझे पता है बहुत नंदे बड़ी सख्त भी होती हैं और बड़ी कड़ाकेदार भी होती हैं, बड़ी डोमिनेटिंग भी होती हैं, और उन्होंने पूरा अपनी जो भावच कहते हैं, क्या कहते हैं, आनंद और भावच के पूरे घर को कंट्रोल किया हुआ होता है. फ़ोन पे भाई को, अगर शादीशुदा भी होती है, कुछ इतनी कंट्रोलिंग होती है, फ़ोन पे भाई को कह देती हैं ये कर लेना, ये नहीं करना, वो नहीं करना, तो भाई बहुत सारे जो हैं वो अपनी बहनों की बातों पे चल रहे होते हैं और उनका अपनी कोई थिंकिंग ही नहीं रहती. तो जब वो इतनी डोमिनेटिंग होती हैं, उसी तरह जब मियाँ अपनी बीवी के लिए किसी दिन एकदम सरप्राइजिंगली खड़ा हो जाए, तो वो जो खुशी है ना, तो दुनिया का कोई जेवर नहीं दे सकता. हीरा सोना पता नहीं, जितने भी आप कुछ ला के दे दें, आप प्रॉपर्टी ला के दे दें, पैसा ला के दे दें, लेकिन वो जो खुशी है वो किसी और चीज़ से मिल ही नहीं सकती. तो जनाब, ऐसी और बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें जिस पर हम खुश हो जाते हैं,
एक बच्चा अपने हाथ पे स्टार ही लेकर अपनी माँ को दिखा दे, कॉपी में एक्सेलेंट मिल जाए, या फिर आपको पेरेंट टीचर मीटिंग में ये कह दिया जाए कि आपने अपने बच्चों की परवरिश बहुत अच्छी की है, आपके बच्चे तो बहुत अच्छे हैं, ये सुनने को मिल जाए। मुझे कभी अपने पेरेंट टीचर मीटिंग में मुझे अपने बच्चों की पढ़ाई के बारे में अगर कुछ बुरा सुनने को मिलता था तो यकीन माने जो डिप्रेशन मुझे होता था, शायद वो किसी और, चाहे तनख्वाह कम होने का भी डिप्रेशन इतना ना हो जितना वो बच्चों की बुराई सुनने का डिप्रेशन होता था। तो इसी तरह बच्चों की छोटी सी तारीफ सुनने का जो खुशी है वो माँ को इंतहा से ज़्यादा खुश कर देती है। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन मैं अभी सिर्फ माओं की बात नहीं करी, मैं भी सिर्फ ख़वातीन की बात नहीं करी, मैं हर उस शख्स की बात कर रही हूँ जो इस वक्त हालात की वजह से डिप्रेशन का शिकार है। अब हम कुछ और तो कर नहीं सकते, तो जो हम कर सकते हैं वो हम क्यों ना करें, आपके लिए एक और एंटरटेनमेंट से भरी हुई सभा लेकर आपके सामने आएंगे। क्योंकि रिसर्च अभी पता है, हम मेरी पूरी टीम ने रिसर्च करी है कैसे हम इंसान को खुश कर सकते हैं, कैसे इंसान डिप्रेशन से बाहर निकल सकता है, और इसीलिए हमने कुछ ऐसी रिसर्चेस को मद्देनजर रखते हुए आज का शो डिज़ाइन किया है। अगर आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो 2 हफ्ते तक अप बीट म्यूज़िक आप सुनते रहें, अपने कानों तक उस म्यूज़िक को पहुँचाते रहें। दो हफ्ते वैसे बहुत लंबा टाइम है, सुशांत ही ना बन जाए हम जब तक 2 हफ्ते तक, लेकिन भारत फिर भी 2 हफ्ते तक अगर आप अपबीट म्यूजिक सुनते रहेंगे, 3रे हफ्ते आपका डिप्रेशन छू मंतर, किसी साइकेट्रिस्ट की भी जरूरत नहीं, ये रिसर्च कहती है। तो जनाब मैं 2 हफ्ते तक तो म्यूजिक नहीं कर सकती वरना मुझे गोली मार देंगे लोग, क्योंकि मुझे हर रोज अलग किस्म के शोज देने होते हैं। हाँ, मगर मैं 2-2.5 घंटे तक आपको ये म्यूजिक के जो अपबीट म्यूजिक का जो सरप्राइज है वो आपको दे सकती हूँ। आप भी शामिल हो जाए इस अंताक्षरी में जो हम मजेदार आपके सामने लेकर आए हैं सुबह सुबह। और चाहे कोई अपने फन में मौला, क्या कहते हैं, फन अपने फन में मौला, हाँ नहीं, हर फन मौला होता है ना, वैसे तो इंसान हर फन फॉलो होता है, लेकिन अपने फन में इंसान जो उसका टैलेंट होता है वो उसी को सचता है और वो उसमें सबसे आगे होता है। तो आज हमने कुछ ऐसा ही किया है कि हर फन के यानी कि हर टीम के एक्सपर्ट्स को अलग अलग हमने बुलाया है और उनकी टीम बनाई है। हमारी एक तरफ होंगी मेकअप टीम, हमारी एक तरफ होगी शेफ टीम और हमारे एक तरफ होगी एक्ट्रेस टीम। ये तीनों टीम्स जो हैं आज मुकाबले में होंगी आगे आगे, क्योंकि होगा आज अंताक्षरी। अगर आप शामिल होना चाहते हैं तो हो जाइए हमारे साथ, क्योंकि आज की सुबह है खुशगवार। लेकर आई हूँ मैं 2-2.5 घंटे का डिप्रेशन दूर करने के लिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान आज की सुबह। तो रहिए मेरे साथ एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग, सॉरी मैं असल में क्यों हंसी हूँ बता देती हूँ, ज़रा लॉन्ग शॉट कट करें, मुझे आज दुख ये हो रहा है। मैं अभी टीम चेंज कराती हूँ, मैंने ग्रीन कपड़े पहने और ये पीछे भी मेरे ग्रीन है, तो मैंने कहा मैं खड़ी कहाँ हूँ, इधर जाऊँ उधर जाऊँ, इसलिए मेरी हंसी निकल गई। हाँ जी, तो वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। इससे पहले कि मैं अपना मुकाबला शुरू करूँ, ज़रा मैं आपको बता दूँ कि जो खुशखबरी आपके लिए रोज़ लाती हूँ, कतरा कतरा समंदर बनता है, 5 रुपये की मदद से आप शामिल हो सकते हैं मिली गोल्ड परचेज प्लान में सिर्फ 100 रुपये से। 20 दिन में 5 रुपये हो जाएंगे 100 रुपये, और फिर जीत सकते हैं आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी। फ्राइडे को हम बैलेटिंग करते हैं, फ्राइडे को हम कुरानदाजी करते हैं और आपका नाम निकल आता है। तो जी यहाँ क्या हो रहा है, आज हो रहा है डिप्रेशन दूर करने की तैयारी, यानी कि अपबीट म्यूजिक के साथ हम खेल रहे हैं अंताक्षरी। और यहाँ अपनी अपनी टीम के एक्सपर्ट्स होंगे, जिस टीम को मैं अभी दावत दे रही हूँ उस टीम के बारे में मैं बताना चाहूँगी, उसके एक मेंबर उनके बारे में मैं क्या मेरा स्क्रीन बताए, जरा आइए चल के देखिए जी। अक्सर आपको हमारे शो में वाजिद खान मेकअप आर्टिस्ट के तौर पर नज़र आए हैं, बहुत सारी क्लासेस देकर आपको बहुत सारी टिप्स लेके आपको बहुत ग्रूमिंग फरहाम की गई है इस शो के प्लेटफॉर्म से वाजिद खान की तरफ से। लेकिन आज इन्होंने भी कहा कोरोना है और ऑब्वियसली जाहिर है सब पार्लर्स वगैरह बंद हैं, वो शोज़ भी नहीं है इस वक्त हम कर सकते जो वाजिद पहले करते थे। तो आपके डिप्रेशन को दूर करने के लिए उन्होंने कहा कि ये भी उनकी ड्यूटी है कि वो अपने फैंस को, अपने नाजरीन को आके यहाँ उनका डिप्रेशन दूर करें अपनी म्यूजिक के जरिए। तो आइए वेलकम करते हैं वाजिद खान। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं, क्या हाल है आज? आपके सुरों का जो है जादू वो पता नहीं, मैंने तो सुरों, अच्छा वैसे मुझे ये बताएं कि आपको शो करते हुए कितना टाइम हो गया? क्यों आप मेरी उम्र ना? नहीं उम्र नहीं, 11.5 साल। और मैंने मेकअप कितना टाइम किया आपका? 4 साल। 4 साल ना,
सो मुझे शायद 18-19 साल हो गए काम करते हुए, उससे पहले से 10 साल नहीं, हाँ मतलब उससे पहले से कर रहा था मेरे पास आने से 18 साल पहले से काम कर, आपके आने से कोई 7 साल पहले से, तो आपको 18 साल हो गए, 18 साल हो गए, ओए तो क्या आप बचपन से ही आ गए, बचपन नहीं बचपन खत्म हो रहा है, हाँ बचपन खत्म हो रहा था, मैट्रिक किया और आ गया, तो नहीं मुझे तो गाने का बड़ा शौक है पहले, आपने जो है जिनके साथ पेजेंट मिस यूनिवर्स पेजेंट किया यही होता है ना क्या, सही मिस यूनिवर्स पेजेंट किया, काफी ट्रैवल साथ किया, काफी शोज यहाँ पे किए, तो इसलिए मैंने कहा यार एक ऐसा नाम, मतलब वाजिद तो को 18 साल हुए हैं, उनको शायद डबल हुए होंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा नाम, वो तो कहती हैं अक्सर तुम तो पैदा भी नहीं हुए होगे, लेकिन इतनी पॉजिटिव, क्योंकि अक्सर होता है सीनियर्स जो है वो हमेशा जूनियर्स की बुराइयां करते हैं, लेकिन ये सीनियर ऐसी हैं जिनको मैं अभी बुला रही हूँ, ये जो अपने नए आने वाले बच्चे हैं उनको बड़ा अप्रिशिएट करती हैं, कटिंग हो, डाई हो, मेकअप हो, कोई भी टिप्स अगर लेनी हो तो आप इनसे आराम से ले सकते हैं, हमारे शोज में आके कितनी आसानी से वो बहुत सारी मुश्किल चीज़ों को बिल्कुल हलवा करके सिखा दिया गया, इतनी अच्छी क्वालिटी है इनके अंदर, और हर कोई इनके पीठ पीछे भी तारीफ करता है क्योंकि ये बहुत सॉफ्ट स्पोकन है। आइए एक बहुत बड़ा नाम वेलकम करते हैं, लेकिन आज मैंने उनको मेकअप करने नहीं, गाना गाने बुलाया है, वो भी वाजिद के साथ, तो वेलकम करते हैं एंजी मार्शल। अस्सलाम वालेकुम, क्या दिन आ गए ना, मतलब आप मेकअप के शोज में हम बुलाते थे और आज हम जो है वो आपको डिप्रेशन दूर करने के गाने के शोज में बुला। जी बिल्कुल, इसलिए ना कि चूंकि सैलॉन्स तो बंद है तो हमने सोचा कि क्यों ना हम अब दूसरा ही प्रोफेशन अपना लें। ये दोनों एक साथ इन्होंने बहुत ट्रैवल किया है, मिस यूनिवर्स पेजेंट जी। एनजी की मैं खास बात बता दें, हम तो अभी आज के दौर के हैं, आज के दौर के नई टेक्निक वाले हैं, नई टेक्निक वाले हैं, तो मैंने जब हम एक दफा पेजेंट कर रहे थे तो एनजी को मैंने देखा, एक लड़की के इतने से बाल थे, इतने छोटे बाल, और एनजी ने बगैर डोनट यूज किए उसका इतना बड़ा जूड़ा बना दिया, इतना बड़ा जूड़ा यहाँ पे, तो हमारे पास भी आई थी, कुछ इन्होंने ऐसे ही कहा मैंने कहा ये जूड़ा बनाया, तो मैं लोगों को मैं बोलता हूँ कि जितना एनजी के पास एक्सपीरियंस है चीजें हैं, उस वक्त तो डोनट नहीं होते थे, चीजें नहीं होती थी, लेकिन एनजी ने इतने से बालों को इतना बड़ा जूड़ा बना दिया था। मैं आपको आज एक चीज शेयर करूँ कि मैं आई हैव बीन प्रिविलेज्ड कि मैंने जेबा जी के बहुत बाल बनाए, जो एक स्टाइल होता था जिसको कहते थे कि जेबा का स्टाइल है, तो वो मैं उनके बनाया करती थी जब मैं बहुत यंग बच्ची सी थी तब, जब वो कराची आती थी लाहौर से तो उनके बाल मैं ही बनाया करती थी, और उस जमाने में पर्ल कॉन्टिनेंटल जो इंटरकॉन्टिनेंटल होटल हुआ करता था तो होटल जाके उनके बाल बनाने, फिर अभी तक जब वो रिसेंट ईयर्स तक जब मोहम्मद अली साहब की जब डेथ हो गई तो उसके बाद भी जब वो कराची आती थी फिर अब वो मेरे सैलून आने लगी थी डिफेंस, तो बट उनसे मैंने बहुत सीखा, और उनके बाल बिल्कुल बेबी सॉफ्ट थे, और पहले उनके बालों में स्प्रे करके फिर उनके बाल बनाने पड़ते थे, अदरवाइज काबू ही नहीं आते थे। जबरदस्त, प्लीज आइए आप लोग तशरीफ रखे, आज मेकअप टीम जो है वो टीम मेकअप है अंताक्षरी के गेम में, मंजी मार्शल और वाजिद खान है, और अब मैं बुला रही हूँ शेफ की टीम को, जिनके लिए मैं आपको दिखाना चाहूंगी एक पैकेज जी। तो देखें आपको अंदाजा हो गया कि ये जो शेफ जिनको मैं अभी बुलाने वाली हूँ, शेफ आमिर साहब, इनके अंदर सिर्फ कुकिंग का टैलेंट नहीं, मॉडलिंग का टैलेंट है, ये तो मुझे नजर आ गया, तस्वीरें खिंचवाते हुए जो पोजेज इन्होंने मारे हुए थे, मगर इनके अंदर गाने का कितना टैलेंट है, ये आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। आइए वेलकम करते हैं शेफ आमिर। मेरी आवाज कितनी भारी हुई है। अस्सलाम वालेकुम, क्या आपने मॉडलिंग करके पिक्चर्स खींची हुई हैं और ये वो, तो मैंने पहली दफा देखा है कि आपके अंदर ये टैलेंट है। ये ऑनेस्टली मेरे लिए सरप्राइज था, मुझे नहीं पता था आप लोगों ने कहाँ से लिए, लेकिन ये बस वो कभी दोस्तों के साथ खिंचवा ली, जो नया नया कैमरा लेते हैं तो शौक होता है तस्वीरें खींचने का, तो उसी तरह की ये सारी तस्वीरें, और कुछ कोरोना की वजह से इतनी दूर खड़े हुए हैं डर के, या आगे भी ये इन्होंने मुझे सिखाया पिछले जो दो शोज में मैं आया कि 3 फीट के बजाय आप 6 फीट के पास डबल डबल एहतियात, तो गाने चाने का शौक है सुनने का, या गाना सुनने का बहुत शौक है, बहुत ज्यादा शौक है, और ये जो प्रोग्राम्स होते हैं रियलिटी शोज ये बहुत शौक से मैं देखता हूँ, और कभी कभी थोड़ा बहुत हम किचन में जब काम करते हैं ना, तो हम स्पेसिफिकली जब होटल किचन में काम करते हैं तो इतना काम होता है कि हम
पक जाते हैं थक के। अच्छा। बातें कर करके भी थक जाते हैं तो वही खाना पकाते हैं। फिर हम खाना पकाते हुए ही जो है ना जिसको जो आता है वो शुरू हो जाता है। तो आम लोग जो है वो बाथरूम सिंगर होते हैं लेकिन खास लोग जैसे शेफ होते हैं वो किचन सिंगर होते हैं। किचन सिंगर उनके लिए फर्क है। बिल्कुल है। तशरीफ। थैंक यू। नेक्स्ट जो अगली शेफ मैं बुला रही हूँ वो कौन है, क्या उनका पैकेज है हमारे पास? नहीं नहीं भाई, ये कोई शादी की तस्वीरें नहीं है, ये शेफ वर्धा की पिक्चर्स है। और ऑब्वियसली हर शेफ की तरह, हर औरत की तरह, शेफ भी एक औरत होती है ना, मैं वही सब लोग परेशान हो गए कि किसी शादी की तस्वीरें दिखा दी गलती से। कहाँ वो शेफ आमिर की तस्वीरें दिखाई जिन्होंने शेफ के कपड़े पहने हुए, यहाँ छुरी है, यहाँ काटा है। और जब शेफ वर्धा की तस्वीरें दिखाई गई तो यहाँ फूल है, यहाँ टीका है, यहाँ झूमर है। तो जनाब जो शेफ वर्धा हैं वो सिर्फ शेफ ही नहीं है बल्कि उनको हेल्दी चीज़ों के बारे में भी बहुत ज़्यादा नॉलेज है और हमारे प्रोग्राम्स में अक्सर आती हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के साथ भी और वैसे भी, और आके आपको हेल्दी चीज़ों के हवाले से भी अवेयरनेस फराहम करती है और बड़े मज़े मज़े की डिशेज की रेसिपी भी शेयर करती है। तो आइए आज ही कुछ और करने आ रही हैं, आज मुकाबला करने आ रही हैं जिसमें एक तरफ हैं वाजिद और हमजी, एक तरफ हैं आमिर और वर्धा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तो देख के खुद डर गई, मैंने कहा ये कौन सी तस्वीरें चला रही है। मेरी टीम में तस्वीरें उठाई हैं, कोई वर्धा किसी शादी में गई थी वहाँ की, ये मेरे भाई की शादी की तस्वीर है एक्चुअली, और ये मुझे खुद नहीं पता ये कहाँ से मिल गई। हमें हम सरप्राइज देना चाहते थे आप लोगों को, कोई पैकेज जो बन जाए। एंजी की तस्वीरें हमें आज तक इतनी मिली नहीं तो हम उनको भी सरप्राइज दे रही है। और ये बहुत बड़ी टेंशन है, कहाँ से इतनी जासूसी पिक्चर्स निकाली ना, वहाँ चुरी कांटे नजर आ रहे थे, यहाँ फूल टीका। अच्छा मैं बहुत उसे देख रही थी, मैंने कहा शायद मेरी भी शेफ कोट में कोई पिक्चर्स वगैरह नजर आएंगी क्योंकि मेरे पेज पे अक्सर डेली में मेरी प्रॉपर फोटो शूट हुआ है। मैं देखा, लेकिन जब मैं देखा है टीका और झूमर ये कहां से आ गया। आइए प्लीज बैठिए, आपको भी है गाने का शौक या कोई गाने वाने याद हैं या सारा बर्डन जो है शेफ आमिर पे जाएगा? मेजॉरिटी बर्डन पे जाएगा, लेकिन हाँ मुझे शौक है गाने सुनने का एक्चुअली, जब मैं किचन में होती हूँ या बहुत ज्यादा। सुरों का मुकाबला थोड़ी है यहाँ, तो गाने पहचानने का मुकाबला है। ये वो है जो लिसनर्स है, गुड लिसनर्स हैं जो बहुत अच्छा अच्छे गाने सुनते हैं। अच्छा अब मैं जिस सेलिब्रिटी गेस्ट को बुला रही हूँ उनके बारे में मैं ये कहना चाहूँगी, मैं कुछ कह दूँगी फिर उसके बाद मैं अपने पैकेज पे भी शिफ्ट करूँगी कि ये हैं बहुत अच्छे एक्टर, एक्टिंग करते हुए आप इन्हें देखते हैं, लेकिन जिस महफिल में यहाँ ये बैठे होते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि इनसे कोई गाना सुने बगैर रहे। इनको शौक़ भी है, इनका ज़ौक भी अच्छा है और इनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है। आइए इनके बारे में कुछ जानते हैं। जी तो ये अगर आज पाकिस्तानी ड्रामों में आपको नहीं नजर आ रहे होते तो ये टर्किश ड्रामों के एक्टर जरूर होते। आइए वेलकम करते हैं टीपू शरीफ। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं नज़ा? बिल्कुल ठीक। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। मैं तो आजकल इर्तुगुल देख देख के ना आपकी जैसी बहुत सारी शक्लें उसमें नजर आती। ये भी आजकल एक बड़ा कंट्रोवर्शियल और इंटरेस्टिंग टॉपिक बना हुआ है। आई डोंट नो, आई फील इट कि मुझे बहुत मजा आता है देखने में। आई डोंट माइंड, मैं तो कंट्रोवर्सी वगैरह में जाती नहीं कि मेरा पूरा कोरोना का जो लॉकडाउन का पूरा एंटरटेनमेंट होना चाहिए है ना इंसान के पास। नहीं आपने देखा है अर्तुगरुल? मैंने एक ही एपिसोड देखी है। आप देखिए उसको क्या आप लगेगा अरे आप ये तो ये आपसे मिलता है वो आपसे मिलता है। फिर हर कोई जो है टीपू की झलक आ रही होती है। मैं एकदम कह देती मैंने कहा ये तो टीपू जैसा है। अलियार अलियार कोई है? हाँ उसकी शक्ल मिला। असलेहान के भाई थे वो, हो सकता है। बस वो थोड़े से पतले थे लेकिन उनका पूरा फेस कट वगैरह पूरी सब आप जैसी थी और बाल थोड़े लंबे थे। तो मैं अगर वैसी टोपी लगाऊं तो अलायारी लगेगी, पगड़ी लगाएं, घोड़ा। कैसे हैं आप? ठीक ठाक। गाने का शौक बचपन से है? और कैसे पता चला कि आवाज अच्छी है? आवाज अच्छी का तो पता नहीं होता, जब मजा आता है तो फिर गाते हैं, मजे के लिए गाते हैं। जी आपकी पार्टनर भी है क्या? आ गई पार्टनर तैयार हो गई? हमेशा बहुत देर लगाती है तैयारी में, हालांकि ये बहुत हल्का मेकअप करती है लेकिन आई डोंट नो बहुत सारी जिम्मेदारियां उठा रही होती है क्योंकि एक्टिंग भी कर रही हैं, होस्टिंग भी कर रही हैं। एक बहुत ही मेहनत वाला प्रोग्राम है हमारे जो ARY न्यूज़ पे चलता है, हमारे मेहमान वो हमारी मेहमान भी बन चुकी हैं और वो वाकई उसमें एक एक सेगमेंट जो है वो इतनी मेहनत से रिकॉर्ड किया जाता है सेलिब्रिटी के साथ डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे उनके साथ जाना, तो एक शो में शायद उनको हो सकता है 2 दिन लगें 3 दिन लगें। बड़ी मेहनती होस्ट हैं, बहुत प्यारी एक्ट्रेस है, बहुत प्यारी माँ हैं और मैं तो कहती हूँ इनके फीचर्स इतने प्यारे इनको मॉडलिंग भी करनी चाहिए। आइए वेलकम करते हैं फिजा शोएब। अस्सलाम वालेकुम।
कैसी हैं आप? ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक। आपने जरूर मेरी शिकायत लगानी थी अपने मायके वालों को कि मैं लेट आई हूँ। हाँ? तो क्या हुआ लेट? मतलब वो क्या कहते हैं ना कि ये तो हमारी शान है पाकिस्तानी। नहीं, 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 नहीं शान की बात नहीं, वो मेकअप आर्टिस्ट की आज बाइक का टायर पंक्चर हो गया था और ये जो कपड़े हैं ये मुझे इस्त्री नहीं करने आते। मुझे डर लग रहा था ये डिजाइनर के कपड़े हैं और ये मैं इस्त्री करूँ कि वेट भी मेरी नहीं है। नहीं तो तुम स्टीमर से करवा ली थी, मैं बस स्टीमर रखा हुआ है। मैं घर से तैयार हो गया। है ना मॉडलिंग वाली शक्ल देख रहा है, कितनी दफा वैसे ही बोला है ना? मैंने कहा बॉन्डिंग। हाँ, लेकिन करवाई कभी नहीं है। बोला बहुत दफा है, कभी नहीं करवाई। एक दफा बाल काट लिए थे, ये मेरे बाल जो है धनी बाल वाजिद के हाथ से कट गए थे जी। अच्छा फिजा, जैसे हम तो अभी मॉडलिंग की बात करें, एक इंसान में बहुत सारे टैलेंट शिफ्ट होते, फिजा में कोई गाने का टैलेंट भी है? मैं तुमने तुम्हारे शोज में इतना तो मैंने गाया है और मैं जीती भी हूँ गाने वाले कॉम्पिटिशन। देखो मेरी ना आजकल शॉर्ट टर्म मेमोरी बहुत चल रही है। हाँ, गाने का भूल जाती हूँ मैं, पता नहीं मैं गाती कैसा, लेकिन गाने का मुझे शौक बहुत है और आजकल मैं लिख रही हूँ, ये मेरा हिडन टैलेंट है। क्या लिख रही हो? शायरी लिख रही हूँ। और क्या बात है जी, आइए जी, ये टैलेंट आपके शो में सुनाऊंगी मैं। मैंने अभी एक वीडियो भी अपलोड किया अभी लॉकडाउन में। वैसे बहुत सारे लोगों के छुपे हुए टैलेंट जो है वो सामने निकल कर आ रहे हैं। मैं अपनी बहन को कहना शुरू हो गई थी कि मानूर मैं लिखे जा रही हूँ, मैं पागल हो गई हूँ, ये क्वारंटीन जो है ये जल्दी खत्म होना चाहिए, कहीं मैं कुछ गलत ना लिख दूँ। यू नो दैट लोग मुझे कहने, आपको क्या हो गया, आप अकेले बैठ बैठ के लिखने, कोई दुख है, कोई कुछ है? राइटर्स को, पोएट्स को जरूरी नहीं है कि दुख हो, ये बात अलग है। जरूरी मतलब लाइक अगर वो ये बात अलग है कि कोई अपनी मर्जी से पोएट और राइटर नहीं बनता। ये भी बात है। एक छोटा सा वक्फा ले रहे हैं, वक्फे के बाद बातें नहीं होंगी बल्कि सिर्फ गुनगुनाना होगा, हर तरफ म्यूजिक होगी और डिप्रेशन की दूरी होगी। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आइए बैठ जाइए स्क्रीन के सामने, क्योंकि मैं वादा करी हूँ कि अगले 2 घंटे तक आपका डिप्रेशन दूर करेंगे, उसके बाद पूरा दिन आपके हवाले है, अभी 2 घंटे मेरे हवाले हैं। और हम खेल रहे हैं अंताक्षरी, हमारे पास है टीम मेकअप, टीम शेफ और टीम एक्टर स्लैश होस्ट। ओके जी, तो यहाँ शुरू होने जा रहा है मुकाबला और पहला मुकाबला है गेस द ट्यून। तो ट्यून बजेगी और साथ साथ आपके बजर भी बजेंगे। सुन लो, सीरियस हो जाओ, मुकाबला हार जाओगे। हाँ मैं मतलब बोले जा रही हूँ। ओके, गिरते हैं शेर सवार ही मैदाने जंग में तो कोई मसला नहीं है, मतलब अभी से हार मान ली। नहीं, ये क्या बात हुई? नहीं, डर तो यहाँ भी लग रहा है, खुद हम दोनों बचाए, हम लोग कह रहे हैं हम पहले से अपनी इज्जत बचा रहे हैं। आपके सामने हमारा बैंड है, यहाँ पे वो म्यूजिक बजाएगा, ट्यून बजाएगा, आपने वो पहचानी, जिसने सबसे पहले ट्यून पहचान ली वो बजाएगा बजर और गाएगा गाना। और अगर गाना तो अगर गाना गलत बजाया बजर तो नेगेटिव मार्किंग होगा। नहीं यार, नेगेटिव मार्किंग खुद लगवाई है ये, थी नहीं इतना ही क्लास में बच्चे नहीं होते ना, कहते मिस मिस, ये क्या कौन बनाता है ये सब चीजें, कौन बनाता है? हम बनाते ना, हमें हक है कि हम इधर से मोड़े। और क्या, अब मजा आएगा। ओके जी, रेडी, गेट सेट गो, पहली ट्यून जी। जी टीम मेकअप, की आंख में एक नशा है, आज पे उसके दिल का निशा है, दिल की अदा है, ओ दिल ले लिया है, ये दिल बोले। जोर से बजाना है, जोर से। ओके, बाजू क्या बात, रेडी, गेट सेट एंड नेक्स्ट ट्यून। ओके, टीम एक्टर, ले ले दिल, ओ महबूबा ले ले जा, ओ महबूबा आया हाँ, ओ महबूबा। यार कोई और भी गा सकता है वैसे, टीपू आप भी, आप माइक आप भी गा सकते हैं, मुझे तो आता था। ओके जी, एक एक पॉइंट प्लीज, मेरी टीम लिखती जाए क्योंकि मैं भूल जाऊंगी। हाँ। दिल धक धक हो रहा है, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, उसके बाद भी डर लग रहा है, एग्जाम हो रहा है, एग्जाम। अच्छा, ये मॉनिटर कर रहा है किसका पहले बजना है? ये हमारी मर्जी है, बहुत स्लो है यार, बहुत स्लो। ओके जी, नेक्स्ट करके बजाना पड़ता है, बहुत जोर लगता है, कोई बात नहीं, मेरे कानों तक आवाज आएगी। ओके, रेडी, गेट सेट, नेक्स्ट ट्यून। वाजिद, शक्कर बंडाए मोरा पिया मुझसे मिलने आए, शक्कर बंडाए मोरा पिया मुझसे मिलने आए, गिन गए हंसी दूर इतने इतने से गाने आते हैं, और क्या एक अंतरा भी पूरा नहीं गा सकते। आप गा सकते
ਭੰਗੜਾ ਪਾ ਮੁੰਡਿਆ ਹੋ ਸੌਰ ਪਿੰਡ ਕਿਨ ਜਾਣਾ ਟੋਰ ਵਖਾ ਮੁੰਡਿਆ ਜਾਣਾ ਸਤ ਜਾਣਾ ਬਿਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬਾਈ ਕਿਨ ਕਿਨ ਜਾਣਾ ਬਿਲੋ ਦੇ ਘਰ ਸਤ ਜਾਣਾ ਬਿਲੋ ਦੇ ਘਰ ਬਾਈ ਕਿਨ ਕਿਨ ਜਾਣਾ ਬਿਲੋ ਦੇ ਘਰ ਟਿਕਟ ਕਟਾਓ ਲੈਣ ਬਣਾਓ ਟਿਕਟ ਕਟਾਓ ਟਿਕਟ ਕਟਾਓ ਲੈਣ ਬਣਾਓ ਟਿਕਟ ਕਟਾਓ ਨਾਲੇ ਲੈਣ ਬਣਾਓ ਟਿਕਟ ਕਟਾਓ ਲੈਣ ਬਣਾਓ मजा सिंगर से गाना सुनने में नहीं आता जो मैं शेफ से सुन रही हूँ मेकअप आर्टिस्ट से अजीब अजीब लगता है अजीब सी फीलिंग आती है मेरी जान में जान आ गई है ना ओके जी जीरो नहीं मिलेगा तो यहाँ स्कोर है 2-1 and 1 आइए देखते हैं आगे का स्कोर क्या होता है नेक्स्ट ट्यून वाजिद मन दी मौज विच हंसना कहना दिल दी रखना कमे कंदे नैना पर किसे नी मना नहीं बोलना चन दी चांदनी चंदे कंदे ऊंची ऊंची पर्वत सोहनिया वादियां नीलियां नदियां ठंडियां नैर ऊंची ऊंची पर्वत सोहनिया वादियां नीलियां नदियां ठंडियां ने सोहनिया बोलियां प्यार बोली रब दी रहमत कमे कंदे मन दी मौज बिच हसना कहना दिल दी रखना कमे कंदे नैना पर किसे नी मना नहीं बोलना चन दी चांदनी कंदे तो जनाब स्कोर है 3-1-1 आइए चलते हैं नेक्स्ट टीम की तरफ यहां बजाए टीम एक्टर गाने से वाकई डिप्रेशन दूर होता है और पुरानी यादें हैं आज भी रिलेट जैसे हम मैदानियां से आज भी रिलेट कर सकते हैं ना वैसे पुरानी जींस से आज भी रिलेट इसमें अहमद साहब भी थे इस गाने को हर कोई रिलेट कर सकता है ना होय 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 लिखा हुआ बहुत अच्छा है बहुत बहुत तो अब हो गए 3-2-1 एंड नेक्स्ट ट्यून प्लीज Team actor.
मनवारे तड़पारे अगन दिल की स्लो करें बीट नहीं चाहिए बीट नहीं चाहिए कीज दें सर मेरा सोना सदा जीवे किसे शैदा नगम धीवे नगम धीवे ढोल की ताल पे गारे गार दिल झूम के गारे अपना हर दर्द छुपा के नाचे और सबको नचावे मुख पे घूंघट डाले नैना दो मत वाले आज कोई चला है सज के पिया नगरिया रे ये बंधन नाते सारे तोड़ के मनवारे ओ मनवारे ओ मनवारे करे 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 वो ओ मनवारे सुलगारे न भड़कारे न तड़पारे ये नारे ओ मनवारे ओके थ्री थ्री वन और नेक्स्ट ट्यून जाए है या नहीं ब्रेक है कि नेक्स्ट ट्यून है ओके तो चलते हैं नेक्स्ट ट्यून की तरफ ओके हाँ टीम शेफ आप भी तो गाएं ना दोनों मिलकर गाएं एक मिनट माइक दीजिएगा जरा दोनों मिलकर गाएं ना जरा सुन रे सजनिया सुन रे सजनिया तेरे संग दुनिया ऐसे जैसे हर सुबहार है जिया नहीं जाए रे तुझ बिन हाय रे हमको तुमसे प्यार है सुन रे सजनिया हर सुबहार है जाए रे तेरे बिन हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है ओ सोचा क्या कभी ये तूने कि तू मेरी कौन है पर तूने ये ना जाना कि तू मेरी कौन है मुझे तड़पाए रे मुझे घबराए रे ऐसा करना बेकार है जिया नहीं जाए रे तेरे बिन हाय रे तुमसे ही हमको प्यार है स्कोर है 3-3-2 आइए चलते हैं आगे नेक्स्ट ट्यून ओ और है ओके दिल है प्यार ओके टीम मेकअप अब एनजी का यहां एनजी हमें सुनना है एनजी टाइम नहीं वेस्ट करें जल्दी 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 दिल मेरे चल दिल मेरे छोड़िए फेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे ना होगी ऐसी ना नानी अपनी कहानी रो रो सुनानी हमसे ना होगी ऐसी ना नानी चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे चल दिल मेरे छोड़ ये फेरे ये दुनिया झूठी लोग लुटेरे मेरे बैंड से दरख्वास्त है प्लीज लेवल तक आए जरा सुरों को नीचे ले क्योंकि हम लोग सिंगर नहीं है मेरा जो स्केल है ना वो जी माइनर है तो आप जरा ये मुझे बताइए तो स्कोर है टीम मेकअप 4 टीम एक्टर 3 एंड शेफ टीम 2 ओके द नेक्स्ट ट्यून प्लीज रेडी गेट सेट गो ओके टीम शेफ सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के सोना माही किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के
ते खरे माही किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के सानू नहर वाले पुल ते बुला के ते खरे माही उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा दिल उते जोर चल तई चल दा उड़दा दुपट्टा मेरा मल मल दा दिल उते जोर चल तई चल दा आवें मनावांगी मैं हाथ जोड़ के बेड़िया पाके साढ़े पैरों विच बेड़िया पाके ते खोरे माही किथे रह गया सानू नहर वाले पुल ते बुला के और आखिरी फिर ब्रेक पे जाएंगे हम जल्दी से हाँ है ना इसके बाद ब्रेक का टाइम है ना ओके जी आखिरी ट्यून है ये ब्रेक से पहले बूहे बारियां तैना ले गदा टपके बूहे बारियां तैना ले गदा टपके आवांगी हवा बनके बूहे बारियां है बूहे बारियां तैना ले गदा टपके आवांगी हवा बनके मैं ब्रेक पे नहीं जा रही क्योंकि टीम मेकअप और टीम शेफ में टाई हो गया 4-4 तो हमें थोड़ा टाई तोड़ना है एक ट्यून और एक ट्यून और रेडी गेट सेट गो दोबारा बजा लो दोबारा क्या क्या खुद ही भूल गए तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो जिसे ढूंढा है नजरों ने वही मासूम सा दिल हो तुम्हें कैसे बता दूं तुम मेरी मंजिल हो माइनस क्या है कौन सा गाना ये नहीं है ये गाना ये नहीं है पहले उलट पुलट हो चुका है मुझे छोटे से ब्रेक के बाद इंजॉय कीजिए हमारा शो गुड मॉर्निंग पाकिस्तान क्योंकि हम खुद बहुत इंजॉय करें आइए देखते हैं कि अंताक्षरी का विनर कौन होगा गुड मॉर्निंग वेलकम बैक गुड मॉर्निंग पाकिस्तान अंताक्षरी देख रहे हैं आप इस वक्त और मजे मजे के गाने सुन भी रहे हैं और वो भी हैरान कुन बात ये कि शेफ्स जो आपको खाना पका रहे हैं सिखा रहे होते थे आज ये आपको अपनी आवाज़ में गाना गाकर सुना रहे हैं मेकअप आर्टिस्ट जो मेकअप कर रहे होते थे वो आज गाने के मूड में और एक्टर्स रहते हैं हर वक्त जबरदस्ती बाथरूम में आज भी गा रहे तो अब जो बहुत मज़े की एक्टिविटी हम करने वाले हैं ये बड़ी कंफ्यूजिंग है स्क्रीन पर वीडियो होगी आपके किसी और गाने की लेकिन उसके ऊपर जो हम गाना चलाएंगे वो आपको कंफ्यूज करेगा और आपको पहचानने अरे अभी तो हटाओ पकड़े जाएंगे अभी तो हटाओ हाँ और आपको इनकार कर देगा आपके दिमाग को कि नहीं नहीं ये वो गाना नहीं है आपने जो वीडियो चल रही है वो ट्यून पहचान के बजर बजा के बता रहे हैं जो गाना सुन रहा है इसको जो गाना चल रहा है उसको इग्नोर कर उसको इग्नोर कर समझ आ गई जो वीडियो है वो गाना है जो एक्चुअली वीडियो है गाने का उसको गेस करके गाना है जो उसके ऊपर गाना चल रहा है वो सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए समझ गए मैं मेरी जगह कहाँ बनेगी डायरेक्टर साहब मुझे बताइए मैं किधर जाऊँ कहाँ मैं कहाँ जाऊँ मैं किसे खाऊं बजर तो तीन तरफ है आई थिंक जहाँ आप खड़ी थी वही सही था मेरे नजर नहीं आया इधर 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 ओके ओके मैं बिल्कुल अब लेकिन मुझे नजर कैसे आएगा मैं यहाँ से लाइटें देख लूंगी ठीक है ओके जी तो हमारा टाइम शुरू होता है मैं स्कोर बता दूं अभी जो है टीम शेफ 4 पर है टीम एक्टर 3 पर है टीम मेकअप भी 3 पर है
अब देखते हैं कि इस सेगमेंट से कौन कितना ऊपर जाता है और कौन पीछे है। क्यों हो रही है मुझे स्क्रीन पे आएगा क्या आ सकता है तो अच्छी बात है वैसे। ओके अगर आएगा तो सही है। ओके रेडी गेट सेट एंड गो। किसने बजाया मैंने देखा नहीं पक्का इन्होंने किसने बजाया। हाँ अच्छा ओके टीम एक्टर। दिल दी गल कहनी चाहिदी है दिल विच रखनी नहीं चाहिदी बोल विदेशी बोली अपनी बोली सुननी नहीं चाहिदी नहीं चाहिदी नहीं चाहिदी नहीं चाहिदी। You don't seem to know I love you baby। आप जरा प्लीज आप वीडियो दिखाइए। नेगेटिव मार्किंग होगी। पेट का सीन है ना मुझे याद है। आप सबको याद है कि क्लास का एक बच्चा था जिसने टीचर से पूछा था कि अगर गलत गाया तो क्या होगा वो ही फंसा। ओके तो यहाँ नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है। 4, 3 and 2 बताइए बी कॉन्शियस नहीं गाने से गलत नहीं गाए नंबर ना कटा। ओके 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 रिलैक्स। ओके नेक्स्ट 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 सेकंड मैंने बजा चुकी हूं। हां 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 मैं बजा चुकी हूं। टीम शेफ तो बजा है मैंने देख लिया। यहां पे लाइट्स कहां गए। अच्छा म्यूजिक आप साथ ना दे सके तो छोड़ दीजिएगा। अच्छा प्रीतों में नव्या कर ले प्रीतों में नव्या कर ले। 8 साल होए नी साढ़े वन वे अफेर नू 8 साल होए नी साढ़े वन वे अफेर नू हुण ते निकाह कर ले। प्रीतों में ना राणों में नव्या कर ले। एक दफा वही करते हैं। प्रीतों में नव्या कर ले। ओके जी अब दिखाते हैं ये गाना क्या यही गाना है। ओके जी तो यहाँ टीम शेफ ने फिर सही गेस किया और 5 पॉइंट से ये अभी भी बादशाह बने हैं। हाँ पर एग्जैक्टली आइए जी नेक्स्ट सॉन्ग देखते हैं। नहीं छोड़ दें वैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं वैसे नेगेटिव हो जाएगी मार्किंग। नहीं। अच्छा एक मिनट अगर आप ये कहते हैं कि मुझे अगर मैंने सही कहा तो मुझे पॉइंट नहीं चाहिए और अगर मैंने गलत कहा तो भी ठीक है नहीं चाहिए पॉइंट नहीं चाहिए। नेगेटिव भी नहीं होगा ना नहीं ना अगर सही भी बोला तो भी पॉजिटिव नहीं होगा तो वो तो टाइम वैसे ही निकल गया ना क्या। नहीं तो ये तो अपनी शॉप के लिए कर रहे हैं आप लोग गाले अगर आपको किसी को लग रहा है मुझे लगता है ऐसा शायद लगता है देखिए क्या है। मेरी जोहर जबी तुझे मालूम नहीं पाकिस्तानी गाना नहीं गलत हो गया ये पुराने ही गाने लगा है ना पुराने लगाए मजा आएगा। रुक जाओ रुक जाओ। ग्रीन 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 किसका है हमारा ओके ग्रीन आपका है। हाँ आपने मेरे स्केल पे किसी के कहने में नाना मैं तो हूँ तेरा दीवाना सर जहाँ को है बताना बेबी नहीं ये वो है बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब अलग हो गया। एक मिनट ये आपने दोनों गाने दो गाने अलग कर दिए आपने खिचड़ी अलग माइनस ये माइनस माइनस नंबर 2 नंबर 3 चीफ साहब। अच्छा इन्होंने पहला गाना क्या गाया था बेबिया बेबिया बेबिया। ओके जी चलाएं चीफ साहब बस भाई बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब आज के बाद मुलाकात नहीं चीफ साहब बस ज्यादा बात नहीं चीफ साहब। आपने खिचड़ी बनाई गाना गाना चाहते जब आपके नंबर खत्म हो जाएंगे फिर मैं कहां से माइनस करूंगी माइनस 3 पे जाएंगे फिर जो ये सही बताएंगे उसमें से ये इन्होंने सेंस कर लिया था कि गलत गलत गाने बताएंगे इसलिए इन्होंने पहले अब इनका माशाल्लाह माइनस होके क्या स्कोर हो गया टीम जीरो। और कुछ रह गया माइनस होने के लिए नहीं आपके पास अभी एक ही नंबर है एक है वो भी माइनस करेंगे। ओके जी नेक्स्ट सॉन्ग बाकी लोग कहां पर हैं क्या ये 5 पे हैं 5 पे हैं ये 3 पर हैं 3 पर हैं कैसा लगा और आप 1 पर हैं। ओके जी आगे नेक्स्ट टेक्स्ट गा रहा हां मैंने बजाया ना 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 रेड रेड किसका है रेड सबसे पहले मैंने यहां पे लाइटें हमने पहले बजाया यहां लाइटें जलती चलो चलो जी वरदान चलें जी सांवली सलोनी सी मैं है बुबा तेरी
हाय हाय करे सब लड़के सांवली सलोनी सी महबूबा तेरी चूड़ियां षड़ंग कर गए अमरीका के ना जा बांध के अमरीका के ना जा बांध के हम तो हैं दीवाने मुल्तान के जामनी होट सराई की बोले हाय हाय कर सब लड़के दिखाओ कि सही है कि नहीं कि हाँ बनाया भी उन्हीं का इरशमन ओके जी नेक्स्ट सॉन्ग दिखाइए सिक्स पे हो गए भाई टीम शेफ तो जी I don't know. इतना ये तो अगर गाना ना भी चलाएं तो भी हमें नहीं समझ इतना मशहूर गाना है वाले पुल से बुला के सबसे बहुत एक्ट्रेस चले बस गाए गए गाओ क्यों बजाया माइनस एक भी माइनस नहीं आया गाना सॉरी मैंने बजा के चेक किया था कोई नहीं बजाना चाहेगा पता होगा लेकिन अभी मैं उससे वीडियो से नहीं अंदाजा ओके कोई भी नहीं ब्लैक एंड व्हाइट ओके मैं दिखा दूं आइए जी दिखाइए सारे ऐसे जाया होंगे इनको याद ये नहीं मेरे पैदा होने से पहले के हैं अरे यार ये इतना मशहूर गाना हमारे भी पैदा होने से पहले जब मैंने सिनेमा में देखी थी असल में सारी हमने सबने सुने हुए लेकिन जरूरी नहीं है कि वीडियो से पहचान नहीं सकते थोड़ी पहचान गए आप किसी और प्रोग्राम में अगर तुम्हारे साथ ये गेम हो और ये गाना आया किसी को भी नहीं आएगा ना नेक्स्ट सॉन्ग नेक्स्ट सॉन्ग अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी अलिफ से अच्छी गाफ से गुड़िया जीम से जापानी लूट लिया है तूने एक मुसाफिर पाकिस्तानी गुड़िया जापानी गुड़िया जापानी गुड़िया जापानी गुड़िया जा जा पापानी नी इसके बाद हमारा सेकंड नंबर अगर नहीं गेस कर सकते देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया सोचा ना था खो गए सपनों में हम ला 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 रस्मों को तोड़ तोड़ चले राहें हमें अब जो कहे राहों की बाहों को छोड़ छोड़ चले देखा ना था मिला हमें प्यार तेरा चेहरा हंसी लगे बार बार तेरा वो तुझ दिल में बसाएंगे करना पड़ना इंतजार यार तेरा सोचा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा तेरे प्यार ने दिया देखा ना था खो गए सपनों में हम आइए जी दिखाइए क्या ये सही है जिस तरह गाया है अपनी इज्जत वापस ओके जी नेक्स्ट नेक्स्ट छन्नों की आँखों में एक नशा है छन्नों पे उसके दिल का निशान है उस पे फिर उसकी अदा है के दिल ले लिया है के दिल बोले I
नशा है, गालों पे उसके दिल का निशा है, इस पे फिर उसकी आया है ये दिल ले लिया है ये दिल बोले ओ टीम शेफ सेवन पे पहुंच गई है तीन और तीन फिर दोबारा जहाँ से इन्होंने शुरू किया था वही आके तो ही जगह है नहीं गाना तो दिखा दो क्या सही गाया है हाँ वही है ना बिलो दिखाए किन किन जाने बिलो दिखाए किन किन जाने बिलो दिखाए आगे नहीं आता मुझे ये गाना प्लीज ओके दिखाएं गाना भाई जेल भी है रेलगाड़ी भी है जेल भी रेलगाड़ी भी है जी भाई गाना हो चुका था पहले नहीं लेकिन मैं ये हो चुका है शो जवानी तो अब जो स्कोर है वो है 7 पे है टीम शेफ 3 3 टीम एक्टर है 4 पे वाओ और टीम लेखा 3 पे तो देखते हैं टीम एक्टर 4 पे आ गई है जी मैं ज्यादा अच्छी काउंट कर रही हूँ मैथ्स मेरी अच्छी है जी तो एक छोटे सा ब्रेक ले रहे हैं ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान गाना बजाना होगा डिप्रेशन को भगाएं दूर सिर्फ इन दो घंटों में बाकी आपकी जिम्मेदारी गुड मॉर्निंग देखो मैंने आपको सही कहा था जब आप आज का हमारा प्रोग्राम देखेंगे तो आपका डिप्रेशन दूर होगा मुझे पता है इस वक्त सब बहुत परेशान है कभी किसी वजह से कभी किसी वजह से वेरी नर्वस तो जनाब अब जो सेगमेंट मैं कर रही हूँ बहुत मजे की एक्टिविटी है मगर आप अपने प्लीज बजस पे हाथ रखें क्योंकि अभी जो स्कोर मैं आपको बताने जा रही हूँ इनका दिल बंद हो जाएगा उसकी वजह यह है कि मैंने गलती से भूल गई मैं आपको याद है कि एक गाना ये बता ही नहीं पाए थे पर मैंने इन दोनों को मौका दिया मुश्किलें सही हैं यार कोई ये थ्री पे ही है ये फोर पे नहीं है टीम मेकअप और टीम एक्टर बराबर है 3-3 और ये 7 पर तो टीम डिलीट करिए टीम शेफ है वो अब जो नेक्स्ट एक्टिविटी होगा ये कि एक बॉक्स है मुझे भी नहीं पता कि मेरे हाथ में कौन सी प्रॉप आ जाएगी इस वक्त एक कार्ड होगा उसके ऊपर एक तस्वीर होगी जो किसी प्रॉप की तस्वीर होगी उस प्रॉप को मद्देनजर रखते हुए आपने गाना गाना है कोई भी गाना होना चाहिए पाकिस्तानी झुमका आ गया तो झुमके से गाना कोई ऐसा होना चाहिए जिसमें झुमके का आंखों आंखें आ गई तो कोई आंखों वाला गाना होना चाहिए कोई ठीक है और पाकिस्तानी गाने इंडियन गाने आएगा सबसे पहले पाकिस्तान यस सबसे पहले पाकिस्तान तो क्या आप रेडी है क्योंकि मैं बजर पर नजर नहीं रख सकती पाकिस्तानी सिंगर के इंडियन गाने गा सकते हैं आतिफ असलम और आतिफ नहीं भाई मत गा कंट्रोवर्सी में क्यों बड़ा अपने इतने अच्छे गाने देखो तो जरा नहीं वो तो है अच्छा भाई मेरी टीम जो है वो बजर पे प्लीज ध्यान रखे अभी मुझे इशारे करके बताए ठीक है रेडी है रेडी गेट सेट एंड गो पहला 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 कि मुझे खुद नहीं पता मैं क्या निकालने वाली हूँ और रेडी 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 ओके रेडी गेट सेट गो हमने पहले बजाया पहले पहले ओके टीम शेफ ये क्या चूड़िया है ना हाँ अच्छा चूड़िया से गाना गाना है हाँ मैं बताता हूँ माइक खोला हो चूड़ी कच दी वेड़े दे विच नच दी नच दी नच दी ते गुद चुमे गिटियानू चूड़ी कच दी वेड़े दे विच नच दी जिदी ते गुत चुमे गिटियानू मैंने भी यही सोचा नाश्ते में कौन सी रेसिपी होती है जो आप लोग खाते हो हम नाश्ते में कुछ खाते ही नहीं है यही रेसिपी है नहीं टीम शेफ 8 पे हैं 8 पे लीड कर रहे हैं चलो नौजवानों ओके जी अगला कार्ड जितने का स्कोप भी है 8 के बाद रेडी हां वो भी है गेट सेट एंड गो क्या है मेहंदी से बजाया टीम शेफ नहीं वो देख रहे हैं मैंने बजाया हां हां पता है मेहंदी की ये रात मेहंदी की ये रात वो आई मेहंदी की ये रात लाई सपनों की बारात सजनिया साजन के है साथ रहे हाथों में ऐसे रात रत्न सिंगार गोरी सिंगार गोरी करत सिंगार गोरी करत सिंगार
शेफ पहुंच गए हैं नाइन पे, आगा क्या होगा कर। वाह वाह वाह, मैच सुभान अल्लाह, क्या कहते हैं हमारी जॉब कैमरा हमारी तरफ आने नहीं, भाई साथ देना हमारा गाना गाने में साथ। ओके जी, नेक्स्ट। रुक जाए भाई एक मिनट, ये पहले खुद देखो। रेडी गेट सेट, मुझे उल्टा ना आपको खा लूंगा। रेडी गेट सेट गो। हाँ, दिल किसका है? पहले हमारा दिल। आप लोग बजा के बैठ जाए, मतलब आइए आप नहीं है। नहीं मैंने देखती, इस पे मैं नहीं मानती। वो लाइट है ना, कौन सा देखिए, वो लाइट ब्लिंक होती है जो आप आते महसूस हुआ तब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, सच तो है यही, सच तो है यही, तुमको तो वही पाया है तुम्हें रब से, तुम मिले जब से महसूस हुआ तब से, किया था इस फिल्म का। ये वो फिल्म थी जब आप जावे चेक स्टाम पे। नहीं नहीं नहीं, आप आगे चलने में इतना पुराना नहीं हूँ। ओके जी, ओके जी, तो यहाँ 10 पॉइंट्स हो चुके हैं शेफ टीम के, और अब जो आगे अभी तो दिखाया भी नहीं है। पेपर के ऊपर कोई गाने गत्ता दिख रहा है मुझे, लिखे पड़े होते हैं। माइनस तोड़िए, नहीं बजर पहले बजा दिया। रेडी गेट सेट गो। क्या है ये सुनिंग? ये ख्वाब है, ख्वाब गो। अच्छा चलें, इन्होंने बजाया ख्वाब ना, जी जी ख्वाब है। दूर जो आज है याद आते तो हैं, ख्वाब अधूरे सही, ख्वाब जुनून सहारे तो है। जुनून वॉल्यूम वाले, क्या बात, गाले 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 अच्छा गा रहे थे। आज भी मेरी राहें रोकती है यादें तेरी, दामन खींचती है, भूल चुके है जो हमें याद आते तो है। बाय द वे, ये सलमान अहमद और सानिया आपा का एक ड्रामा था, उसका साउंड ट्रैक वेरी वेल साउंड, वेरी वेरी गुड, वेरी गुड। नहीं कुछ आ गया, आपका नींद सब लगा, नींद का अब मैं वर्ड बता, जाडो सुठो। ओके नेक्स्ट नेक्स्ट, रेडी प्लीज अटेंटिव टीम, रेडी गेट सेट ओ हो समझ नहीं आ रहा है। रेडी गेट सेट, रेडी गेट सेट गो। कौन है, किसने बजाया? टीम मेकअप, टीम मेकअप, टीम मेकअप। पहले मैंने बजाया। अच्छा चले आप, हमने बजाया, हम गाते हैं। मेरी टीम कह रही है, वो कह रहा नहीं गा रहा, बल वो नहीं गाएगा तो माइनस होगा उसका पॉइंट। चलिए अब कितना टाइम देंगे आपको, 3 4 5 6 गुलो मेरा रंग भरे कारोबार चले, लेकिन था गुलाब वर्ड, क्या गुलाब वर्ड, गुलाब, लेकिन दिस इज ऑल्सो गुल, गुलाब गुल नहीं, कहने का मकसद है गुल फूलों को कहते हैं, ये क्या है। ओके 10 याद दिला दो ना तक चुप हो जाओ। 10 4 एंड 4 4 यस ओके दोनों 4 रेडी 10 तक कैच पहुंचेंगे हम। 1 ये क्या होगा, ओके रेडी गेट सेट, ध्यान से हम रेडी कहते हैं, मुझे खुद नहीं समझ आ रहा, लेकिन अब आ गया समझ। रेडी गेट सेट गो। रेड रेड किसका है, आपने बजाया पहले, डिस्को है, सही कह रही है, डिस्को दीवाने डिस्को दीवाने आहा आहा, नशीली है रात
नहीं हो पाएंगे। हमें पॉइंट से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। मैं आपको बताऊं, टीम को मतलब दिखाने के लिए एक मेरी टीम देख रही है अंदर बैठे हुए, वहां पे दूसरा एक बंदा बैठा, तीसरी मैंने वो तो है ही मेरा दुश्मन, तो पहले ही बोल रहा है मेरा दिल मेरा दुश्मन। ओके जी रेडी है, 11 पॉइंट्स हो गए, क्या है कुछ है भी कि नहीं? ओके रेडी रहे आप लोग प्लीज, रेडी गेट सेट एंड गो। हमने दबाया, हमने दबाया, हमने दबाया। आप टाइम नहीं, टाइम नहीं बाय कर रहे, मुझे पता है टाइम बाय कर रहे हैं। वन टू आंखों के सागर, होंठों के सागर ले डूबे हमें, ले डूबे हमें आंखों के सागर, होंठों के सागर, ये जब दिल मिले तो मंजिल नहीं, वो गा रही है वो लड़की, मैं गा रही थी लेकिन चलो नेक्स्ट गा लूंगी, मसला नहीं है। मगर ये जो बजर है ये लेट है, छोड़ दे छोड़ दे, ओके छोड़ दो, तुम ऐसा करो अभी से बैठ जाओ। हां रेडी, वो नहीं नजर आ रहा, गेट सेट एंड मैं गाऊंगी, ये कर लीजिए जो भी हो, व्हाटएवर मे कम, व्हाटएवर मे, चलो चैलेंज कर दिया उसे, चैलेंज कर दिया, ऐसे करोगे तो फ्यूज हो जाएगा तुम्हारा, चैलेंज कर दिया उसे। ओके रेडी गेट सेट गो, क्या है बारिश, हां अब इनका बजाय किससे मजा है आगे तुम्हारा नाम, अली हैदर का एक गाना, बारिश का है मौसम चले ठंडी हवा, कोने पे गली के कोई है खड़ा, हाँ मैंने पास जाके धीरे से कहा हेलो, तो वो बोली मुझे कुछ कहा, आ बारिश का है मौसम चले ठंडी हवा। मजा टीपू चुन चुन के ला रहे गाने, कुछ है बस ऐसे है, जो है, 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 है। ओके रेडी है आप लोग, नोट करो, नोट मैं कह रही नोट करो नोट, ओके रेडी गेट सेट गो। टीम एक्टर पतंग बाज बलमा से, पतंग बाज सजना से, पतंग बाज बलमा से, आंखों आंखों में उलझी डो लगा पे के, दिल हुआ बो काटा के, दिल हुआ बो काटा के, दिल हुआ बो काटा के, दिल हुआ बो काटा, अपने साजन के दिल में समाऊं, दिल ये चाहे पतंग बन जाऊं, अपने साजन के दिल में समाऊं, दिल ये चाहे पतंग बन जाऊं, प्यार वाली हवा पुरजोर लगा पे चांद को मच गया शोर, के दिल हुआ वो काटा, के दिल हुआ वो काटा, के दिल हुआ वो काटा, के दिल हुआ वो काटा। आगे चलेंगे नहीं, ये गाना ही ऐसा है। जी स्कोर हो गया आपके, 6 हो गए, वाओ 50% यार, अभी मौका देना जीतने का, शो खत्म कर देना, and 4 एक राउंड और हो जाए, 4 ओके रेडी, 4 गेट सेट एंड 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 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, रेडी, अब रेडी आप लोग जी, घर घर किसने बजाया पहले, पहले हमने बजाया ना, मैं पहले टीम मेक, नो नो टीम मेक, ना चांदी ना कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा
तुझसे, तू जो करे प्यार मुझसे, छोटा सा घर तुझको दूंगा, सुख सुख का साथी बनूंगा, सोना न चांदी न कोई महल जाने मन, तुझको मैं दे सकूंगा। ओके बारह छः एंड फाइव, ओके बारह छः एंड फाइव क्या ओके ना 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 नेक्स्ट रेडी रहे भाई, टीम रेडी रहे, टीम रेडी रहे, टीम रेडी रहे, रेडी गेट सेट एंड गो। ओके रेड क्या है आपने बजे आजा नी बैजा साइकिल ते, आजा नी बैजा साइकिल ते, दिल मेरा बोले कड़ी कड़ी तू दिल दी जानी है, जाने दुनिया सारी मैं प्यासा तू पानी है, जरा लक नू हला थोड़ा घूम के वखा मुल तानी नी मेरी जाननी है, आजा नी बैजा साइकिल ते, आजा नी बैजा साइकिल ते, आजा। कितना टाइम है मेरे पास? ओहो ब्रेक का टाइम हो चुका है, 13, 6, 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
मॉर्निंग पाकिस्तान, छोटे से ब्रेक के बाद. वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. अरे भाई प्रोग्राम शुरू हो गया, गप्पे बंद करो, अपने प्रोग्राम करो, इन्जॉय करो, लोगों को इन्जॉय करवाओ. आज तो हम खास तौर पे ये शो इसीलिए कर रहे हैं कि आप लोग इन्जॉय करें. बस हो गया, बहुत डिप्रेशन हो गया, बस अब हंसें जिए खुश रहें. तो जनाब यहाँ लीड कर रहे हैं बड़ी खुशी के साथ टीम शेफ. कितने पॉइंट्स हो गए आपके? माशाल्लाह 13 पॉइंट्स के मालिक हो गए आप लोग. यस. और एक्टर्स 6 पॉइंट्स के साथ सेकंड पर हैं. और मेकअप कहाँ रह गया आप लोग? आपके सामने जो स्क्रीन है उस पे एकदम बहुत सारे स्क्रॉल चलेगा, पूरे अलग अलग सिंगर्स की पिक्चर्स नजर आएंगी, ठीक है? और जहाँ मेरी टीम स्टॉप कर देगी वही उस पिक्चर पे आपने बजर बजाना है, और उसी सिंगर का जो स्क्रीन पे अभी फिक्स हुआ हुआ होगा उस सिंगर का आपने गाना गाना. समझ आ गई सबको? सिंगर की तस्वीर, वाजिद है ना, वाजिद की तस्वीर है. वाजिद मेकअप नहीं कर रहा किसी को, सिर्फ वाजिद की तस्वीर है, कोई वीडियो नहीं है. तस्वीरें चलेंगी फिर रुक जाएगी. बहुत सही तस्वीरें, लेकिन जब मैं स्टॉप कहूंगी तो रुक जाएगी. जो सिंगर आपको आ रहा होगा नजर उसी का कोई गाना गाना, ठीक है? सुनो तुम लोगों में समझ आ गई मैं क्या कह रही थी? आखिरी जो नहीं, आखिरी जो सिंगर होगा उससे आपने बजर बजाना है, वही गाना गाना. अच्छा, दो तीन लोग बिठा दें, फंडा क्या है जीतने का? हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं बजर को मॉनिटर करने के लिए, दो तीन लोग बिठा दें ताकि किसी किस्म की कोई और नहीं देख रही. मैं बजर देख रही हूँ, मैं बजर के पास खड़ी हूँ, टेंशन नहीं. ठीक है, बहुत ईमानदार होस्ट हूँ. अच्छा मैं चाहता हूँ सिर्फ दो मिनट रुके. हाँ वाजिद, वीडियो सबके हाथ इधर हो, और जब 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 रुके तब यू हाथ. नहीं 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 भाई, ऐसा भी नहीं. नहीं नहीं नहीं, ये क्या बात है, ये बात आते लोग पता है क्या ये तो. ओके रेडी, गेट पहुंच गया यार हम तो. रेडी गेट सेट एंड गो स्टार्ट. नहीं हुआ, स्टॉप तो बोला ही नहीं. तो बोला ही नहीं ना, हम तो सिर्फ आगे चल रहे थे. लेकिन एक मिनट, नहीं हमारे बीच में भी स्टिल हुआ था. बोलेंगे नहीं, लेकिन हम बजाया हमने पहले, हमने बजाया, हमने नहीं स्टॉप नहीं हुआ. एक सेकंड, ये दोबारा होगा. एक मिनट, हम बोलेंगे. मेरी टीम मुझे क्या कह रही, मैंने स्टॉप नहीं बोलना, वो मैंने नहीं स्टॉप बोलना, ठीक है? मेरी गलती है, मैंने स्टॉप नहीं बोलना, वो स्टॉप खुद करें, ठीक है? एंड रेडी गेट सेट अगेन. दोबारा कोई और चलाओ भाई, ये ना चलाओ, किसी को भी चला देंगे, टेंशन नहीं. दुनिया दे प्यार मिले है, मैडम दूर जहाँ का है, मैडम दूर जहाँ का है, लुटी है जमालो पा. नहीं गाना तो अलग सेगमेंट में गा रहे हैं ना, गाना तो अलग सेगमेंट में गा रहे हैं. मैडम का तो गाना अलग सेगमेंट में गा रहे हैं जमालो, तो मैंने वैसे ही गाया था. क्यों क्यों गाया? नहीं वैसे ही क्यों गाया? मैंने बीच में गाया था, ब्रेक में गाया है. सही, ब्रेक में गाया है, ब्रेक में गाया है. सही कह रहा. क्या मतलब?
मैंने ब्रेक में गाना गाया था, ब्रेक में गाया था, शो में गाना नहीं गाया, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूं गाना, हां मैं ब्रेक में गा रहा हूं अभी, नहीं तो हमने रिपीट करने का कहा नहीं, आप तो लुटी है जमालो, नहीं तो 10 से पहले मैंने बोला ना लुटी है जमालो, 10 से पहले मतलब नहीं, आप काउंटिंग कर रहे हो, नहीं डिसाइड करें, नहीं मैंने तो हाँ हाँ एक क्या ये मैडम नूर का गाना है लुटी लुटी है जमालो, मैडम नूर मुझे नहीं पता इसलिए पूछ रही हूँ, ऑफ कोर्स मैडम का गाना है, किसी को पता है, मैं तो वो गा सकता हूँ दिल का दिया जलाया, मैडम नूर झा का गाना है लुटी है जमालो, आप देखें प्लीज, सर्च प्लीज सर्च मोबाइल ओके पॉइंट आपका, दुनिया दे प्यार मिले कोई दिल दार मिले दास बाद गल बाद का खिलने ने बाल मेरे नैना में नाल तेरे बाद आए पहली मुलाकात का, ओ लुटी है जमाल पा लुटी है जमालो, लुटी है जमालो पा मुझे तुम लोग को पॉइंट ज्यादा चाहिए, आप टाइम जाया कर सकते, मुझे नहीं हम नहीं करना चाहते, आप लोग नहीं मैं चाहती हूँ, ओके ओके जी, यहाँ पे स्कोर हो गया 6-6, आगे बढ़िए स्टार्ट, रंजीत स्टॉप स्टॉप स्टॉप, हमारा ही सही दिल ही दुखाने के लिए टीम शेफ, जी जी हारून ही है, वन टू, दिल ओ महबूबा ले ले जा, ओ महबूबा आया हाँ, ओ महबूबा महबूबा महबूबा, डन, 14 नंबर स्टार्ट, स्टॉप टीम पहले, नहीं नो स्टॉप होने से पहले, सेकंड आप लोगों का बजर स्टॉप होने से पहले नहीं दबा, फिर दोबारा चलाएं सेकंड बजर क्या होगा, नहीं आप क्यों स्टॉप पे बजाया, दूर से कोई आए कहीं चुप कैसे वो दिल में समा जाए, ओके यहाँ हो गए आपके कितने पॉइंट्स, 14 हो गए हमारे, यहाँ 7 और आपके भी 7, ओके स्टार्ट स्टार्ट, सब रेड रेड रेड, आपने शेफ शेफ टीम रेड बल्ब, ओ नहीं रेड आपका नहीं, आपका ग्रीन है, आपका ग्रीन, यहाँ बल्ब लगे हैं, बल्ब का कलर भी है, हाँ चलो जी हाँ, हम मैंने ये सोचा था वही ना, जिया ना जाए तेरे बिन साथ होंगे कभी हम जुदा, मैंने ये सोचा था हो गया कि तू बता कि बता, ओके 15 क्या वेरी गुड, ओके जी रेडी गेट सेट स्टार्ट, स्टॉप रेड रेड, हाँ रेड बॉल, दुपट्टा मेरा मल मल का करू क्या इस चंचल का, सपनों में रोज बुलाए दुपट्टा मेरा मल मल का, करूं क्या इस चंचल का, 16
पॉइंट्स हो गए. माशाल्लाह. ओह माय गॉड. कम ऑन स्टार्ट. ये 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 हां. स्टॉप स्टॉप. आपका आपका टीम में उच्चिया मजा जाली आत गई. देखो वे कुड़ी आज हार गई. कहीं तो ढोला मर जावांगी जे मैं तेरी मेरी गल ना बनी. जे तेरी मेरी गल ना बनी. हो 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 हो. गॉट गॉट. 8 7. कम ऑन टीपू. 17 नहीं 16 ये वाला टीम मेकअप. मेरी नकमा भी गा सकते हैं. हाँ हाँ. कोई जुनून से और इश्क से मिलती है आजादी. जुनून से से मिलती है आजादी. कुर्बानी की बाहों में. एक मिनट. आप टाइम ऑन नहीं है. मजा नहीं लेना. टाइम ऑन नहीं है. सेकंड आ गए हम लोग. ये क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? मैंने आज के बाद हरे रंग का बजर नहीं लेना. सेकंड लाल वाला लूंगी. लाल वाला. आज के मुकाबले का रिजल्ट ये है कि नंबर 3 से शुरू करें अगर तो हमारे पास है टीम एक्टर्स. जो 7 पॉइंट से यहाँ तक पहुंचे. अगर नंबर 2 से शुरू करें तो मेकअप टीम 9. और आज के विनर है वाजिद. लाओ भाई. क्या? एक और. ये वो लकड़ी वाला चमचा कांटा नहीं दे रहा लोगों को देते हो आप लोग. ओके जी. तो आज के हमारे शो के विनर आज ले ले भाई आके जरा. ये एक साथ ही ना एक राइट से लेफ्ट. बहुत बहुत मुबारक हो. बहुत बहुत मुबारक हो. आपके और आपके बच्चों का सामान आ चुका है. अब आप आराम से एक हफ्ता गुजार. अच्छा आप लोगों को मैं आप लोगों को कैसी फीलिंग आ रही है? बैठ नहीं करते शेफ साहब. ऐसे करते हैं यार. हम खुश हैं आपकी खुशी में. हमें ऐसी फीलिंग आ रही है. लेकिन हमें बहुत अजीब सी फीलिंग आ रही है. आप तो जीत गए यार. आरोप लो हमें भी ऐसा शो हुआ. अब आपको जो बातें करनी है ब्रेक के दौरान कर लीजिएगा. मेरा शो अभी खत्म नहीं हो रहा. खबरदार जो कहेंगे रहना मेरे साथ. आप लोगों को खुदाफिज. लेकिन आप लोगों के लिए कुछ और है. गुड न्यूज. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए मजे मजे का शो. गुड मॉर्निंग. मुझे तो आज बहुत मजा आया बड़े दिनों बाद. गुड मॉर्निंग. ब्रेक पे जाइए. वेलकम बैक. गुड मॉर्निंग पाकिस्तान. देखिए मैं आपको वैसे ही कह रही थी कहीं नहीं जाना है क्योंकि अब बारी आ गई आपको कुछ बांटने की. और अभी से बोल रही हूँ कि जो सेगमेंट हम इस वक्त कर रहे हैं आपने अभी से SMS करना है. ये जाने बगैर भी क्या हो रहा है क्योंकि जिसका जिनके मैसेजेस सबसे ज़्यादा होंगे और सबसे पहले आना शुरू होंगे उनको हम देंगे सेलेटिक्स की तरफ से आज एक खूबसूरत जोड़ा. मेरे साथ हैं यहाँ किरण. अस्सलाम वालेकुम. कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ. पिछली बार आई थी तो सेल की अनाउंसमेंट कर रही थी. बाय द वे सेलेटिक्स की सेल अभी भी जारी है और संडे को एंड हो जाएगी. अप टू 40% वाली ये सेल. अब तो भाई इतने जोड़े खरीदें बहुत ज्यादा और जिन्होंने लेट कर दिया है ना वो फिर बाद में वाकई बड़ा पछताएंगे. संडे इज द लास्ट डे. आपने जाना क्या है? जाना किधर है? sellytexonline.com पर. अच्छा वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी. सारे सेल पे जो आइटम्स हैं अप टू 40% अप टू 40%. और हर जोड़े पे आपको तकरीबन 1,000 से 2,000 आपको कम मिल रहा है. Wow. इतनी अनबिलीवेबल प्राइसेस है ना इसको बिल्कुल मिस नहीं की. अच्छा अलग मतलब लिखा हुआ है अलग अलग किस्म के जोड़े. उनके तीन कलेक्शन इनकी तीन कलेक्शन पे सेल आई थी. अच्छा. और वो तीनों आपको नजर आ जाएंगे. आप उसमें से ऑर्डर कीजिए. आपको सारी डिटेल्स इनकी वेबसाइट पे सब कुछ मिल जाएगा. डिटेल अपकमिंग कलेक्शन भी सारी होती है. आज तो मैं
खास निदा के शो पर आई हूँ दिखाने के लिए। इतना प्यारा लग रहा है। अच्छा मुझे सबसे अच्छी बात ये लग रही है, तुमने कितना अच्छा जोड़ा कैरी किया है। थोड़े से आइडियाज होते हैं कि शेयर करूँ शायद देखकर आपको, ज्वेलरी के साथ ये कपड़े। ये इनकी नई कलेक्शन है सेलिटेक्स की, जैकार्ड क्लासिक कलेक्शन। ये जैकार्ड लॉन में इन्होंने निकाला हुआ है। अच्छा, और आप देख रहे हैं ये बिल्कुल बनारसी लुक आपको दिख रहा होगा, ये हल्का सा गोल्डन। अच्छा पता है किरण, ये मजे की चीज मुझे क्या लगी है, क्योंकि आजकल जो शादियां हैं वो घर घर में हो रही हैं। बिल्कुल। अब आप घर घर में बहुत हैवी जोड़े नहीं पहन सकते, काम वाले जोड़े बहुत नहीं जिस पहने तरह जाते। तुमने किया है कि ये वाला जिस तरह तुमने किया है कि ज्वेलरी हैवी पहन ली, लॉन का जोड़ा पहन लिया, तो वो एक गर्मी भी नहीं लगेगी और शादी की शादी पार्टी की पार्टी। इनका मटेरियल इज एक्सीलेंट। सेलिटेक्स की जितनी भी कलेक्शन आती है, और ये जैकार्ड लॉन, दिस इज लॉन बाय द वे। ये आपको लग रहा होगा जैकार्ड बहुत हम पहले पहनते थे, जैकार्ड तो बहुत मोटा मोटा, ओ हो इट इज अमेजिंग। लॉन्च डेट भाई 22 को लॉन्च हो रहा है, लेकिन आज से और अभी से इसकी प्री बुकिंग्स शुरू कर दी हैं। यानी sellitexonline.com पर जाएंगे आप लोग, अभी इसी वक्त ऑर्डर कर सकते हैं। 19 इनके पास वैरायटी है जोड़ों की, और प्राइस रेंज भी डिफरेंट, 19 डिफरेंट डिजाइन्स हैं, डिफरेंट कलर्स में हैं। ये जरा आप दिखाएं ना निदा, और इसकी प्राइस है जो कि इतनी हैरान कुन प्राइस है ना, आप वाकई में प्राइस सुनेंगे अभी इसी वक्त sellitexonline.com पर चले जाएंगे। 2875 में आपको ये इतना हसीन लॉन का जैकार्ड। अच्छा, अगर ये स्टिच कराना हो तो क्या होगा? आप स्टिच करवाइए, आप अनस्टिच करवाइए। वैसे मेरा मशवरा अगर आप लोग लेंगे ना, आई ऑनेस्टली एडवाइस कि आप इसको स्टिच करवाइए, और ईद के लिए इससे परफेक्ट चॉइस और हो नहीं सकती है। 2875 में आपको ये जैकार्ड का ये क्लासिक कलेक्शन डिलीवर हो जाएगा, जैसे ईद से पहले पहले मिल जाएगा। यार कराची वालों को तो उसी दिन ही आपको एक्सप्रेस डिलीवरी करेंगे, जिस दिन आपने ऑर्डर किया है उसी दिन ही आपको डिलीवर कर दिया जाएगा। एंड वर्ल्ड वाइड वैसे इनकी डिलीवरी है, सिर्फ कराची वालों को ये फैसिलिटी है कि जिस दिन ऑर्डर किया। अच्छा, और अच्छी बात यह है कि आपके पास आपका जोड़ा आता है, आपको बिल्फर्स किसी भी रीजन से पसंद नहीं आता, तो 100% मनी बैक गारंटी। अच्छा, आप वापस कर दीजिए कि मुझे नहीं चाहिए। तो आई थिंक इट्स एन अमेजिंग ऑफर। ये इनकी नई कलेक्शन है, ये मैं जरा खोल कर मैं दिखाऊंगी इनको। ये 19 डिजाइन लेकर आए हैं, यूजुअली 8 होते हैं, 7 होते हैं। कलर तो देखो इतना कोई हसीन, ये प्लेन शलवार है, ट्राउजर बनाए, शलवार बनाए, और इसको आप ये जो कुंदन की ज्वेलरी होती है ना, उसके साथ पहने। ईद पे तो मैं समझती हूँ इससे बेहतर जोड़ा और हो नहीं सकता। ये इसकी शर्ट है, डार्क कलर भी है ना, तो पतला भी आप लगता है, आप लगते ये देखें डार्क कलर। इसकी फ्रंट एंड बैक है, ये शर्ट बनी हुई है, प्लस ये इसका दुपट्टा है। कलर कॉम्बिनेशन आप देखें, कॉन्ट्रास्ट देखें, फैब्रिक देखें, और प्राइस तो बस देखते ही आप कहेंगे कि इसके लिए भी ले लेती हूँ, इसको गिफ्ट देने के लिए भी ले लेती हूँ। ये इसका दुपट्टा अच्छा, कितना रिच लग रहा है, बहुत रिच जोड़ा, 2875 लुक दे रहा है ना। 22 को तो लॉन्च है, लेकिन प्री बुकिंग शुरू हो चुकी है sellitexonline.com पर जाकर। ये भी अच्छा कॉम्बिनेशन, बहुत अमेजिंग, हर किसी की पसंद के लिए ना इन्होंने कॉम्बिनेशन रखे हुए। ये इसके साथ प्लेन शलवार है। अच्छा मजे की बात ये, इसमें एम्ब्रॉयडरी नहीं है, इसमें जरूरत ही नहीं है एम्ब्रॉयडरी की। ये प्रिंट और ये जैकार्ड लॉन से इतनी कोई रिचनेस आ रही है। एसएमएस कीजिए, जिसके ज्यादा एसएमएस होंगे अभी तक जितने भी एसएमएस आ रहे हैं उनको हम भेजेंगे सेलिटेक्स की तरफ से ये जोड़े। और इसके साथ ये रेड दुपट्टा है। सेलिटेक्स को आप फेसबुक पे ज्वाइन कर सकते हैं। मिलेगा कहाँ वैसे, कहाँ कहाँ अवेलेबल है? अरे ये नेशन वाइड अवेलेबल होगा मुख्तलिफ स्टोर्स पे, 22 के बाद होगा, लेकिन अच्छा। आप लोग ऑनलाइन इसको अगर बुक कराएंगे तो आपका ही भला है, आपको जो डिजाइन पसंद है अभी सब अवेलेबल है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ स्टॉक हो जाए। बट सेलिटेक्स की खास बात यह है कि वो कस्टमर्स की चॉइस को देखते हुए अपने जो उनके बेस्ट सेलर्स होते हैं, जिनकी हाई डिमांड होती है, प्रीवियस कलेक्शंस की भी, वो दोबारा से रीस्टॉक कर देते हैं। अच्छा, कितने कलर्स हैं, कितने डिजाइन हैं? 19 शेड्स हैं कलर्स के, 19 डिजाइन्स हैं। एक तो ये मैंने पहना है, दो मैंने आपको खोल के दिखाए हैं। 2875 में निदा कुछ भी नहीं मिलता। हाँ बिल्कुल, वो भी इतना रिच जोड़ा और इतना हसीन, इतने बड़े दुपट्टे, तो उसकी प्राइस वेरी रीजनेबल स्टिचिंग एज इट इज, जैसे कैटलॉग में आपको उनकी वेबसाइट पे नजर आ रहा है।
सेम डिजाइन दीजिए आप अपने नाप पर, आपको वो जोड़ा मिल जाएगा। इससे अच्छी बात और हो नहीं सकती। इसके अलावा जो मैं सेल आपको बता रही थी वो संडे तक है, अप टू 40%, उसे भी जरूर अवेल कर लीजिएगा क्योंकि इतने कम प्राइसेस हो गए सेलिटेक्स के जोड़ों की के वाकई में हैरान कुन वाली प्राइसेस है। जो लोग उस वक्त नहीं ले सके नहीं वो ले अब सके। जो है ना वो उनकी ख्वाहिश अब पूरी हो सकती है। जैसे ये शेड्स ऑफ फेस्टिव है ये भी सेल पर इन्होंने रखा हुआ है और इनकी प्राइस जैसे 3,775 थी, सेल में अप टू 40% इनकी प्राइस हो गई है 2,775। और ये भी बहुत हसीन जोड़े थे, इसमें ऑर्गेन्जा के और जरी लाइन हुई हुई दुपट्टे थे, बहुत हसीन थे। और इनके कुछ बेस्ट सेलर्स भी हैं जो कि आउट ऑफ स्टॉक हो गए थे, अब दोबारा से इन्होंने रीस्टॉक कर दिया है। जेड्योर ये कलेक्शन थी इनकी, और बाय द वे इस पे भी इनकी सेल लगी हुई होती है। सारी चीजें आपको sellytexonline.com पर मिल जाएगी। प्लेन शलवार के साथ ये इनका शिफॉन दुपट्टा है, एम्ब्रॉयडर्ड शर्ट है, ये भी लॉन का है। फैब्रिक इज अमेजिंग, इसमें आपको कभी गलत हो ही नहीं सकता। आपने भी पहने हैं पहले, लेकिन इनकी फैब्रिक इज लाइक एक्सीलेंट, मतलब आपको ना वो चिपकता है ज्यादा, ना वो उसमें सिलवटें ज्यादा पड़ती हैं, एंड बिल्कुल प्योर, बहुत मजेदार। और एक ये है स्टेला, ये भी रीस्टॉक कर दिया गया है। ये बहुत इनका हिट गया था, ऑन डिमांड था, लोगों ने बेहद पसंद किया, खत्म हो गया था, फिर दोबारा से इन्होंने रीस्टॉक कर दिया है। ये देखिए, ये भी एसएमएस करें जल्दी जल्दी अगर आप चाहिए सेलिटेक्स की खूबसूरत जोड़े तो एसएमएस करें ज्यादा से ज्यादा एसएमएस और ज्यादा से ज्यादा जीतने के मौका। ये इसके साथ का शिफॉन का दुपट्टा है। ये लोग चेंज करते रहते हैं, किसी के साथ शिफॉन दुपट्टा, किसी के साथ जैकार्ड लॉन दुपट्टा जैसे कि ये कलेक्शन में आया है, किसी के साथ ऑर्गेन्जा का दुपट्टा। तो सेलिटेक्स मुसलसल जो है वो नई नई कलेक्शन लेकर आता रहता है अपने लोगों के लिए, चाहने वालों के लिए। वर्ल्ड वाइड सेलिटेक्स का बहुत बड़ा नाम है। तो ये कलेक्शन 22nd को लॉन्च है, बट आई थिंक 2875 में अभी इसी वक्त ही प्री बुक करवा लीजिए। जबरदस्त, अमेजिंग ऑफर। थैंक यू सो मच किरण, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है आपने बहुत इन्जॉय किया होगा, और ऑब्वियसली कुछ ऐसे प्रोग्राम हम डिज़ाइन कर रहे हैं जिसकी मदद से आप कम से कम इन 2-2.5 घंटे को इन्जॉय कर सकेंगे, और फिर इसकी वजह से जब मूड अच्छा हो जाएगा तो खुद ब खुद पूरा दिन अच्छा गुजरेगा। ये है मेरी जिम्मेदारी जो मैं कल भी निभाऊंगी, मगर कल के लिए खास चीज़ जैसे मैंने आपको बताया है कि कतरा कतरा समंदर बनता है, सिर्फ 5 रुपए की मदद से आप शामिल हो सकते हैं मिली गोल्ड परचेज प्लान में, जिसकी कुरानदाजी होगी कल। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जीतने का बहाना आपको मिलेगा। तो जनाब 100 रुपए यानी 5 × 20 आप 100 रुपए की मदद से शामिल हो जाएंगे इस कॉन्टेस्ट में, और देखते हैं कि कल कौन खुश नसीब होगा जो 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी जीतेगा। खुदा हाफिज़, बहुत ख्याल रखिएगा, मिलेंगे आपसे कल।